मार्केटिंग मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट है, तुम्हारे एचआरएम की जगह पे आया है। और यूनिट वन है, उसमें पहला टॉपिक है टॉपिक वन, मैक्रो एनवायरमेंटल ट्रेंड्स एंड फोर्सेस। ये क्वेश्चन नया है, व्हाट आर द मैक्रो एनवायरमेंटल ट्रेंड्स एंड फोर्सेस, उसकी इफेक्ट्स हमको बतानी है। तो देखो, टू गेट एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, यानी अगर तुमको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मार्केटर पहले मैक्रो, मैक्रो एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, पूरी कंट्री के एनवायरमेंट को अपने स्टडी करना पड़ेगा। हमारे आजू बाजू जो भी होता है वो नहीं, हर दुनिया की हर गली कूचे में जो भी हो रहा है वो सबको स्टडी करना पड़ेगा। और ट्रेंड का मतलब, ये एमसीक्यू है, जो जो बोल रहा हूँ ना वो ध्यान देना। ट्रेंड का मतलब डायरेक्शन ऑफ इवेंट्स और सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट इज सम मोमेंटम एंड ड्यूरेबिलिटी। ट्रेंड का मतलब क्या, जो उतार चढ़ाव आते हैं ना वो, उसमें मोमेंटम यानी स्पीड होती है, ड्यूरेबिलिटी मतलब थोड़े टाइम तक वो टिकता है। फिर फैड, वो एग्जैक्टली अपोजिट है ट्रेंड का, वो एकदम अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए, अंडरलाइन करो, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसका कोई सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस नहीं होता। द न्यू प्रोडक्ट और इट्स मार्केटिंग प्रोग्राम विल बी मोर सक्सेसफुल। अगर तुमने ट्रेंड्स को ज्यादा ध्यान में रखा तो फैड्स को नहीं। देयरफॉर मार्केटिंग मैनेजर हमेशा क्या करेंगे, ट्रेंड डेवलप स्पॉटिंग स्किल उनके अंदर होनी चाहिए, यानी मुझे पता चलना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, बाजार में कौन से लोग किस तरह की चीजें मांगते हैं, वो मुझे पता चलना चाहिए। द कंपनीज द सप्लायर्स मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज मतलब मार्केटिंग में सब लोग जो बेचने वाले होते हैं उसको इंटरमीडिएटरीज बोलेंगे। कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स ऑपरेट इन द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ फोर्सेज एंड ट्रेंड्स, दे शेप द अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएट द थ्रेट्स। मतलब वही तुमको अपॉर्चुनिटी भी देते और वही तुमको थ्रेट यानी मार्केट में जोखिम का भी सामना करना कराते हैं। इसमें छह अलग अलग फोर्सेस हैं जिसमें हम सब एक के बाद एक देखेंगे, पर ये सब नॉन कंट्रोलेबल है, अंडरलाइन करो इसको, नॉन कंट्रोलेबल, ये तुम्हारी कंट्रोल से बाहर है। सबसे पहले डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, डेमोग्राफिक का मतलब पॉपुलेशन ट्रेंड्स, अंडरलाइन करो पॉपुलेशन ट्रेंड्स, मतलब जो बाजार में लोग जिस तरह से खरीदी करते हैं उसको अपने यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। मार्केटर्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इसी के अंदर। पहले वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब्जेक्ट एचआरएम की कंपैरिजन में बहुत आसान है, समझना भी और याद करना भी, बराबर ने? तो इसमें टोटल 5 पॉइंट है, तुम अगर देखोगे ना फर्स्ट यूनिट में तो ये 2 यूनिट का पैम्फलेट है, बराबर ने? और उसमें से ने सिर्फ 2 ही टॉपिक तुमको याद करने के एन सेम के लिए, नहीं कोई नहीं मैं बताऊंगा वही, बराबर ने? और थोड़ा थोड़ा है ने वेकेशन पड़ेगा तुम्हारा एन सेम के पहले, पहली मई से लेके 17 जून तक, और 17 जून के बाद कॉलेज चालू होगी समझो, और 20 जून से तुम्हारी एग्जाम है। यस, ये 1.5 महीने के वेकेशन में अपने पढ़ाई चालू है, समझे कि नहीं? पर वहां पढ़ाई बंद है, वो तो सिलेबस खत्म कर लेंगे। तो वो टाइम पीरियड के अंदर सुनो, वो टाइम पीरियड के अंदर मेरे 3 सब्जेक्ट के अंदर एक चीज कंपलसरी मैं करूंगा कि जो याद करने हैं ना उसकी मैं टेस्ट लूंगा, तुम लिखो या ना लिखो यहाँ पे आके, मतलब मैं डिक्लेयर करूंगा उस दिन, 10 जन भी आते हैं मैं उसकी टेस्ट लूंगा। तो क्या तुम्हारा रिजल्ट सुधरेगा आज के 6 दिन की तैयारी तुमको भी बताए कि कैसी हो जाती है फिर, बराबर? देखिए, मार्केटर्स मॉनिटर द पॉपुलेशन ग्रोथ बिकॉज सर्टेन रिसोर्सेज जैसे फूड फ्यूल और मिनरल्स आर लिमिटेड एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाईएस्ट इन फैमिलीज टू 1 चाइल्ड पर फैमिली, अरे सॉरी, इन दोज एरियाज विच कैन लीस्ट अफोर्ड द हाई पॉपुलेशन, जैसे चाइनीज गवर्नमेंट, पैसा तो है नहीं इनके पास, बराबर? घर में पैसा ना हो और पॉपुलेशन बढ़ती जाए तो क्या मतलब है? तो हम यहाँ पे इसीलिए, यहाँ पे देखो 1 चाइल्ड पर फैमिली, तो टॉय मार्केटर्स फाउंड दैट द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स एंड अंकल्स पैम्पर दीज लिटिल एम्पायर्स। अब एक ही बच्चा हो घर में तो उसको हर तरह का प्यार मिलेगा, जो मांगेगा उसको लाके देंगे, इसलिए टॉय मार्केट वहां पे डेवलप हुआ। फिर पॉपुलेशन एज मिक्स, इट इंक्लूड 6 कैटेगरीज सच एज प्री स्कूल,
प्री स्कूल एज चिल्ड्रन, टीन्स, यंग एडल्ट्स 25 से 40 साल के, मिडल एजेड में क्या आएगा 40 to 65, एंड ओल्डर एडल्ट 65 प्लस। इंडिया में 6% पॉपुलेशन वो 60 प्लस है, और वो एक्सपेक्ट कितनी करते हैं अपने 6 से 9% हो जाएगी। तो मार्केटर सब क्या सोचेंगे कि बूढ़े लोगों के लिए ट्रैवल प्लान्स अपने डिसाइड करेंगे, ट्रैवलिंग के लिए ओल्ड पीपल के लिए डिसाइड करें, ये क्लब मेंबरशिप देते हैं। फिर एथनिक मार्केट, एथनिक यानी कल्चर, लिखना हो तो लिख दो संस्कृति। विद इन सेम कंट्री सब अलग अलग एरिया में रहने वाले लोग, जैसे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, लैंग्वेज बोलने वाले लोग गुजराती, महाराष्ट्रियन, रिलीजियन पालने वाले लोग हिंदू मुस्लिम, और एजुकेशनल ग्रुप, दे आर सब डिवाइडेड इंटू 5 कैटेगरीज, नेमली इलिटरेट्स, इलिटरेट्स यानी अनपढ़ लोग, हाई स्कूल ड्रॉप आउट यानी हाई स्कूल में गए नहीं, उससे पहले निकल गए स्कूल से, हाई स्कूल डिग्रीज, कॉलेज डिग्रीज एंड प्रोफेशनल डिग्रीज। तो जापान में 99% पॉपुलेशन, परसेंटेज नहीं लिखा है साइड पे, लिख देना यहाँ पे, 99% पॉपुलेशन इज इलिटरेट, जबकि यूएस में 36% पॉपुलेशन कॉलेज एजुकेटेड है। अब हाउस होल्ड पैटर्न, घर की पैटर्न क्या है वो देखेंगे। दे इंक्लूड सिंगल लिविंग अलोन, अकेला इंसान रहता हो, एडल्ट लिव टुगेदर, सिंगल पेरेंट फैमिलीज, चाइल्डलेस मैरिड कपल्स एंड एम्प्टी नेस्टर्स। व्हाट इज एम्प्टी नेस्टर्स? जिसके बच्चे ने अलग रहते हैं उसके एम्प्टी नेस्टर्स बोलते हैं, बच्चे बड़े हो गए अपना अपना खुद का कर लेते हैं ये सब, राइट। मार्केटर्स मोनिटर देम टू डिसाइड द रिक्वायरमेंट्स अबाउट होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एक्सेट्रा। मार्केटर्स ये सब चीजें डिसाइड करेंगे होम अप्लायंसेस और फर्नीचर के बारे में। फिर जोग्राफिकल शिफ्ट इन पॉपुलेशन, इन इट मीन्स माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज एंड देन टू सब अर्बन एरियाज। अब देखो माइग्रेशन करने वाले लोग यानी क्या, जो गांव में रहते थे अब सिटी में आ गए वैसे लोग। अब देखो नेक्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ध्यान दे, देखिए द मार्केटर्स फोकस देयर अटेंशन विद द ट्रेंड्स इन परचेसिंग पावर ऑफ पीपल। अब अंडरलाइन करो परचेसिंग पावर, वो करंट इनकम पे डिपेंड करती है, तुम्हारी सेविंग्स पे, तुम्हारा डेट यानी तुम्हारा कितना मार्केट में कर्ज चुकाने का बाकी है, और क्रेडिट अवेलेबिलिटी कितनी लोन मिल सकती है। ऑल दिस कैन अफेक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ हाई इनकम कंज्यूमर्स एंड प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स। कंज्यूमर दो तरह के हैं, एक हाई इनकम कंज्यूमर जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा है, और दूसरे वो लोग के जो प्राइस सेंसिटिव है, जो जरा भी कीमत बढ़ती है ना तो नहीं चलाते वो। फिर आता है उसके बाद में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। देर आर फोर टाइप्स ऑफ इनकम इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, जैसे सब्सिस्टेंस इकोनॉमीज यानी जहाँ पे मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, बाजार बहुत छोटा है। रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज, जैसे जेयर नाम की एक कंपनी है, वो कॉपर एक्सपोर्ट करती है, सऊदी अरेबिया ऑयल एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्टर्स ऑफ इक्विपमेंट, टूल्स एंड लग्जरी गुड्स। इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमीज, इसमें इंडिया और फिलीपींस, इसमें फ्यू रिच क्लास और ह्यूज मिडिल क्लास के लोग हैं। और इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, इसमें यूएस, यूके, रिच मार्केट्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, इसमें हर तरह का बाजार तुम्हारे पास है। फिर सेविंग, डेट एंड क्रेडिट क्रेडिट अवेलेबिलिटी, अगर डेट टू इनकम रेशियो वेरी हाई है, इसका मतलब अगर तुमको देने के पैसे ज्यादा है और बचते बहुत कम है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा सेविंग्स अगर कम हुआ ना तो एक्सपेंडिचर हाउसिंग और लार्ज टिकट में स्लो डाउन। लार्ज टिकट का मतलब बड़ी चीजों के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है ना वो कम हो जाएगा। फिर आउटसोर्सिंग एंड फ्री ट्रेड, आउटसोर्सिंग इज कंसिडर्ड एज कॉम्पिटिटिव नेसेसिटी बट इट इज अ कॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स। आउटसोर्सिंग यानी बाहर अपनी नौकरियों को बाहर देना, तो इससे क्या होता है कि नौकरियां तो सस्ते में मिल जाती है, सामने से लेबर सस्ते में मिलता है, लेकिन अपने यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। इससे सेविंग्स इंक्रीज होती है और कट्स डाउन लेबर कॉस्ट। फ्री ट्रेड, अनएम्प्लॉयमेंट का जोखिम तो है लेकिन फिर भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो
सेविंग्स बढ़ेगा और लेबर कॉस्ट कम होगी। फ्री ट्रेड का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। कंट्रीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब कोई रोक टोक ना हो, फ्री ट्रेड अगर हो तो। अब सोशो कल्चरल एनवायरमेंट। सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट में इसमें लोग आते हैं, वैल्यूज एंड नॉर्म्स। वैल्यूज यानी तुम्हारे रीति रिवाज बोले ना, या फिर किसको सही गलत मानते हो, और नॉर्म्स यानी समाज के जो नियम होते हैं वो। द मार्केटर स्टडी द कोर कल्चरल वैल्यूज द सब कल्चर एंड शिफ्ट इन वेरियस वैल्यूज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यानी मार्केटर्स क्या स्टडी करते हैं, कैसी वैल्यूज है वो स्टडी करेंगे। इसमें हाई परसिस्टेंस ऑफ कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज यानी बेसिक वैल्यू, अगर जिस कंट्री में है ना, परसिस्टेंस यानी अवेलेबिलिटी होना, हमेशा के लिए रहना। द पीपल हैव कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स डिराइव फ्रॉम पेरेंट्स एंड रीइंफोर्स्ड बाय स्कूल्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बिजनेस एंड गवर्नमेंट एज वेल एज सेकेंडरी बिलीव्स एंड वैल्यूज। सेकेंडरी बिलीफ का मतलब क्या, कोर वैल्यू यानी इसके बिना चले ना, उसके बिना समाज नहीं, अधूरा है समाज। पर सेकेंडरी वैल्यूज यानी जो बाद में सिखाई जाती है। सेकेंडरी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोर वैल्यूज को अंडरलाइन करो, कोर वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। मदर अगेंस्ट ड्रंक ड्राइवर डज नॉट ट्राई टू स्टॉप द सेल ऑफ अल्कोहल बट इट ट्राइज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ अपॉइंटिंग सच ड्राइवर हु डज नॉट ड्रिंक। यानी मतलब ये लोग जो है MADD वाले, ये क्या करते हैं, ऐसे ड्राइवर अपॉइंट कराने के लिए बात करते हैं कि जो पी के ना चलाते हो। वो पीने को रोकते नहीं है, पीने वालों को पीने देते, पर पी के चलाना नहीं है गाड़ी को ऐसा। एग्जिस्टेंस ऑफ सब कल्चर। सब कल्चर इज ईच कल्चर इज सब कल्चर। मार्केटर्स फोकस देयर अटेंशन ऑन टीनेजर्स बिकॉज दे आर द ट्रेंड सेटर्स इन म्यूजिक फैशन एंटरटेनमेंट एंड एटीट्यूड। सब कल्चर यानी मेन कल्चर के अंदर जो दूसरा कल्चर होता है ना, उसको अपने सब कल्चर बोलते हैं। ये खास करके टीनेजर्स में अलग से देखने को मिलता है। शिफ्ट ऑफ सेकेंडरी कल्चरल वैल्यूज थ्रू टाइम। अब शिफ्ट होता है यानी मतलब लोगों का कल्चर जो है ना वो चेंज भी होता है। अब जब चेंज होता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अर्लियर पीपल्स फैशन डिपेंड्स अपॉन द फिल्म हीरोज एंड रॉक स्टार्स बट नाउ इज फैशन डिपेंड्स अपॉन अदर हीरोज ऑल्सो। अदर हीरोज यानी मतलब फिल्म हीरो नहीं, क्रिकेट के हीरोज भी देखेंगे बराबर, दूसरे भी ऐसे लोग सोल्जर्स के बारे में भी देखेंगे लोग। नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल नेचुरल एनवायरनमेंट एवरीवन इन द वर्ल्ड इज कंसर्न्ड अबाउट द डिटीरियोरेशन। डिटीरियोरेशन मतलब खराब होना। इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एयर एंड वाटर पोल्यूशन हैव रीच्ड द डेंजरस लेवल्स। जो पानी में पोल्यूशन होता है, हवा में पोल्यूशन होता है, ये सब का है ना लेवल बहुत खराब हो गया है। एंड एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस मेनी रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब उन्होंने बहुत सारे कंट्रोल लगाए। रेगुलेशन यानी कंट्रोल। ऑटो मेकर्स उनको क्या एमिशन कंट्रोल रखना पड़ता है बराबर ने। अब शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स अर्थ रॉ मटेरियल इंक्लूड अनलिमिटेड रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल एयर एंड वाटर लिमिटेड रिसोर्सेस द लिमिटेड रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल। जो फॉरेस्ट एंड फूड बहुत कम ऐसे हैं ना कि जो रिन्यूएबल है एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल। कुछ चीजें ना नॉन रिन्यूएबल भी होती है जैसे ऑयल। सो द फॉरेस्ट्री कंपनीज हैव टू रीफोरेस्ट द टिम्बर लैंड। तो अगर अपने को पेड़ वापिस उगाने पड़े तो क्या करेंगे, अपने ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाएंगे, काटने से ज्यादा पेड़ उगाने पड़ेंगे। द फार्म्स आर ऑल्सो डूइंग द R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। किस लिए किया जाता है, टू फाइंड आउट सम सब्स्टिट्यूट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी ऐसी चीजें होनी चाहिए ना, ऐसे प्लांट बनाने चाहिए ना कि जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा इस्तेमाल करें तो सही, लेकिन वो कैसे, सोलर पावर से आए। इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट ड्यू टू वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ ऑयल इट्स कॉस्ट राइजेस। तो फार्म्स आर सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव एनर्जी। जैसे यहाँ पे लिखा है कि टोयोटा की जो प्रियस नाम की एक कार है ना वो इलेक्ट्रिक मोटर पे चलती है विच बूस्ट द गैसोलीन इंजिन फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। ये हाइब्रिड कार बोला जाता है, इसमें पेट्रोल तो चाहिए
पर पेट्रोल से जब गाड़ी चलती है ना तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी आगे के किलोमीटर्स के अंदर एवरेज ज्यादा देती है। मतलब ऐसा समझो जैसा स्कूटर एवरेज देती है वैसा कार एवरेज दे, 40-50 का एवरेज मिले तो इससे सस्ता हो जाए ना। दूसरी बात, एंटी पोल्यूशन मेजर्स, गवर्नमेंट्स एंटी पोल्यूशन मेजर्स हैव क्रिएटेड लार्ज मार्केट फॉर मेनी कंपनीज। इसमें आपको क्या पैकेजिंग अलग से करना पड़ता है, प्लास्टिक में पैकेजिंग नहीं एक्सेप्ट किया जाता। फिर वो थर्मोकोल भी बंद हो गया है, बराबर नहीं, बड़े आर्टिकल्स के अंदर थर्मोकोल अलाउ किया जाता है, बाकी छोटे आर्टिकल में तो मना कर दिया है। चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ रिच कंपनीज मस्ट प्रोवाइड फॉर सफिशियंट फंड्स टू क्लीन द एनवायरमेंट, दे शुड ऑल्सो हेल्प द पुअर नेशंस टू कंट्रोल देयर पोल्यूशंस। गवर्नमेंट का रोल चेंज होना, यानी मतलब हमारे पास इतने सफिशियंट फंड्स होने चाहिए जो क्या एनवायरनमेंट को क्लीन करे, और पुअर नेशंस है ना सबसे ज्यादा परेशान होते हैं इसके अंदर, क्योंकि बड़े नेशंस डेवलप हो चुके हैं, पुअर नेशन डेवलप करने के लिए अगर एनवायरनमेंट को देखेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा उनका। अब पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट का मतलब लॉ, गवर्नमेंट की एजेंसीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स यानी वो लोग जो तुम्हारे पे प्रेशर बना के लगते हैं इस बात का कि तुमको ये करना पड़ेगा, जैसे इंक्रीज इन बिजनेस लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन यानी कानून बढ़ना। बिजनेस लेजिस्लेशन एम्स सर्व द थ्री पर्पजेस सच इज टू प्रोटेक्ट फर्म्स फ्रॉम अनफेयर कॉम्पिटिशन, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम अनब्रिंडल बिजनेस बिहेवियर। अनब्रिंडल यानी रोक टोक बिना का। यानी अगर कोई भी बिजनेस सोसाइटी को नुकसान करे ऐसा बिहेवियर करे तो सोसाइटी उसको रोकेगी, उसके लिए कानून कौन बनाएगा, गवर्नमेंट। विद द ग्रोथ ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, स्पेशलिस्ट इंटरेस्ट ग्रुप यानी क्या, वो ऐसे लोग ने जैसे वीमेन्स राइट वाले, कंज्यूमर राइट्स वाले, सीनियर सिटीजन के राइट्स वाले और माइनॉरिटी राइट्स वाले, ये स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते हैं। माइनॉरिटी वाले सिर्फ माइनॉरिटी के लिए काम करेंगे, वीमेन्स राइट वाले उन्हीं के लिए काम करेंगे, ऐसा। इनका प्रेशर भी बिजनेस के ऊपर होता है। फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक फोर्सेस एंड विच शेप द लाइफ ऑफ द पीपल। द न्यू टेक्नोलॉजी में ओपन मेनी डोर बट समटाइम्स इट मे बी अ फोर्स फॉर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, जैसे टेलीविजन, उससे न्यूज़पेपर खत्म हो गए। इतने ज्यादा टीवी चैनल पे न्यूज आ जाते हैं तो पेपर कौन पढ़ेगा, वो सो तो सो सो न्यूज आते फटाफट। एंड मोबाइल्स आर द ऑर्डिनरी टेलीफोन, ईमेल्स पोस्ट मेल को खत्म कर दिया उसने। एक अब देखो, एक्सीलरेटिंग द पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, द डिमांड फॉर सम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर राइजिंग एट फास्टर रेट। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स द पीपल टू टेलीकम्यूट, टेलीकम्यूट का मतलब टेली कम्युनिकेशन जो कर पाए ना, ऐसी टेक्नोलॉजी हमको चाहिए दूर तक। टेली का मतलब दूर होता है, टेलीविजन यानी दूरदर्शन, टेली यानी दूर, विजन यानी दर्शन, तो दूरदर्शन उसी का हिंदी वर्जन है टेलीविजन का, समझे। और ये जो टेली टेलीस्कोप बोला जाता है, तो टेलीस्कोप दूर की चीज को देखने के लिए जो जहाजों में यूज किया जाता है समुन्द्र में, वो सिमिलरली यहाँ टेलीविजन या टेली कम्युनिकेशन यानी दूर तक कम्युनिकेशन करना। एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन, टूडे साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन न्यू रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स। रोबोटिक्स समझते हो आप, हर जो भी चीज तुम्हारे हाथ में है ना अभी, समझो इवन ये पैम्फलेट्स भी, वो भी एक रोबोटिक्स से बनता है, ये भी रोबोटिक्स से बनता है, क्योंकि जो मशीन है ना वो एक रोबोट की तरह काम करता है, एक ही तरह के फंक्शन को काम करेगा, वो सोचता नहीं लेकिन सेंस करता जरूर है। पेपर अगर नहीं होगा तो मशीन बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो जाता है, ऊपर सिग्नल आ जाता है कि फीड द पेपर, इस घंटे पेपर डालो, समझे ना। ये सब क्या है तुम्हारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही तुम्हारा रोबोटिक्स है। वेराइंग आर एन डी बजेट्स, रिसर्च कंपनी सच एज डुपोंट एंड फाइजर आर इंक्रीजिंग देयर आर एन डी बजेट वेरी कॉशियसली अलर्टली। फाइजर ने वैक्सीन निकाली थी पहली कोरोना के लिए, सबसे पहली वैक्सीन उसकी ने, और डुपोंट जो टेफलॉन कोटिंग यूज करते हैं ना अपने, तो डुपोंट ने बनाया था पहले। टेफलॉन कोटिंग यानी बर्तन नॉन स्टिक आते हैं ना जो भी, उस पर जो कोटिंग आता है टेफलॉन जिसको बोलते हैं, वो डुपोंट कंपनी ने बनाया था, अमेरिका की कंपनी है।
इंक्रीज रेगुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, द न्यू टेक्नोलॉजी मस्ट बी सेफ सो इट मस्ट बी अप्रूव्ड द अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट इन केस ऑफ ईटेबल्स एटसेट्रा। फूड एंड न्यूट्रिशन में क्या आप देखते हो ना, पैकेज के पीछे लिखा जाता है, वो गवर्नमेंट का रूल है, इसमें से कितनी कैलोरीज मिलेगी, इसमें क्या क्या यूज किया गया, वो सब लिखना पड़ता है। अब याद रखो ये एसटीपी मॉडल, ये तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन है 7 मार्क का। एसटीपी में एस यानी सेगमेंटेशन, टी यानी टारगेट और पी यानी पोजिशनिंग। सबसे पहले अपने मार्केट सेगमेंटेशन देखें। सेगमेंटेशन मतलब डिवाइड करना, मार्केट के हिस्से करना। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल हेटरोजीनियस यानी अलग हेटरोजीनियस मार्केट इनटू सेवरल होमोजीनियस मार्केट। जैसे अपने कपड़ों का मार्केट है तो सबके सबकी पसंद अलग अलग है, लेकिन अगर उसको कैटेगरी में डालें तो टीनेजर की पसंद अलग होगी, टॉडलर्स यानी नए बच्चे जो जन्म लेते हैं अभी उनकी अलग होगी, उसके बाद में यंगस्टर्स की अलग होगी बराबर, और जो ऑफिस गोइंग है उनकी अलग होगी, और जो बूढ़े लोग हैं उनकी अलग होगी। तो ये हमने अलग अलग डिवाइड किया, वो मार्केट सेगमेंटेशन हो गया। तो ईच ऑफ सच मार्केट इज होमोजेनियस इन सम सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स, द मार्केट सेगमेंटेशन इज नेसेसरी बिकॉज पूरा मार्केट है ना वो अलग होता है, तो हमको पता नहीं चलता कि किसी किसकी क्या नीड्स है, किसकी इनकम लेवल क्या है, ज्योग्राफी क्या है। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंपनी टू सेटिस्फाई द एंटायर मार्केट विद द सेम प्रोडक्ट और सर्विस। तो एक ही प्रोडक्ट से सबको सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं होता अपने लिए। नाउ ज्योग्राफिकल बेसिस, कंपनी सेगमेंट्स द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स क्लाइमेट्स एक्सेट्रा। कंपनी हिस्से करेगी मार्केट के कौन से बेस के ऊपर, रीजन्स, रीजन्स यानी एरिया, क्लाइमेट, फिर डेमोग्राफिक बेसिस। कंपनी सेगमेंट्स द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एज, उम्र के हिसाब से, इनकम, एजुकेशन, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, ये सब। ऑक्यूपेशन यानी बिजनेस, कौन सा बिजनेस करते हो वो। फिर साइकोग्राफिक बेसिस, साइकोग्राफिक का मतलब साइकोलॉजिकल यानी सोशल क्लास, लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी लोगों की। फिर बिहेवियरिस्टिक बेसिस, ये चारों चार एमसीक्यू है, ये चारों चार एमसीक्यू है। बिहेवियरिस्टिक यानी क्या, ओकेजन, घर में शादी है, खरीदारी करनी पड़ती है, मार्केट वैसा भी है पूरा। फिर यूजर स्टेटस, यूजर्स का स्टेटस कौन सा है, किस तरह की प्रोडक्ट वो पसंद करता है, यूजेज रेट, कितनी बार वो प्रोडक्ट को यूज करता है, बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड, कितने कितने बेनिफिट्स वो सोचता है कि इस प्रोडक्ट में से मुझे मिलेंगे। लॉयल्टी स्टेटस यानी मैं जिस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ उस प्रोडक्ट की तरफ मेरी वफादारी कितनी है, यानी मैं उसको चेंज नहीं करता अगर ब्रांड को तो। और एटीट्यूड, मेरा मार्केट में एटीट्यूड कैसा है, एक बार सेगमेंटेशन हो गया ना तो हम सिर्फ उसी मार्केट के ऊपर ध्यान देंगे जो हमारे लिए अट्रैक्टिव हो, तो हम उसी जगह पे मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फिर मार्केट को टारगेट करना, एक बार सेगमेंटेशन हो गया और मार्केट का इवेल्यूएशन हमने चेक कर लिया कि मार्केट कैसा है, कंपनी हैज टू डिसाइड अबाउट हाउ मेनी सेगमेंट और सेगमेंट्स इट वांट्स टू एंटर टू सर्व और सर्व। यानी मैं 50 सेगमेंट बनाता हूँ, उसमें से मैं कौन से सेगमेंट में घुसना चाहता हूँ वो मेरा टारगेट है। अगर कंपनी के पास लिमिटेड स्किल और लिमिटेड रिसोर्स है तो एक ही सेगमेंट के बारे में सोचेगी, वो अलग अलग सेगमेंट के बारे में नहीं सोचेगी, पर वो हमेशा वही सेगमेंट के बारे में सोचेगी जो उसके लिए हाईली प्रॉफिटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल होंडा, टोयोटा एंड निसान एंटर द यूएस मार्केट विथ स्मॉल इकोनॉमी कार, देन दे हैव एडेड मिड प्राइस एंड हायर प्राइस कार्स। उन्होंने क्या किया, वो यूएस मार्केट में एंटर हुए स्मॉल इकोनॉमी कार के साथ में, लेकिन बाद में धीमे धीमे वो मिड प्राइस हाई प्राइस के। टोयोटा अभी है ना सबसे ज्यादा एसयूवी के अंदर ज्यादा जानी जाती है। इफ अ कंपनी इज लार्ज इनफ देन इट विल सिलेक्ट फुल मार्केट, सच कंपनी वॉन्ट्स टू बिकम द जनरल मोटर्स ऑफ देयर इंडस्ट्री। जनरल मोटर्स ऐसी कंपनी है ना जो फोर्ड कार बनाती थी, इंडिया में नहीं चली एग्जैक्टली, वो कंपनी बिक गई किसको, मोरिस गैरेज को इंडिया में। और जो हालोल पे कंपनी है ना अभी, मोरिस गैरेज एमजी, वो एमजी का पूरा प्लांट पहले फोर्ड का था, फोर्ड यानी जनरल मोटर्स, बंद हो गया है।
अब इसके खाली स्पेयर पार्ट्स एक जगह पे बनते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है। जो मटीज है ना, एक डेवू नाम की कंपनी थी, DAEWOO, कोरियन कंपनी थी, डेवू नाम की कंपनी पूरी दुनिया में खत्म हो गई कंपनी, पर आज भी वो पार्ट्स बनाती है, बंद आज भी पार्ट्स बनाती है वो, पर है ना अपने को इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी इंडिया में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे वो थे सब बंद हो गए हो गया बराबर। बाहर से अगर कोई मंगाए नहीं तो आपको कम से कम 3-4 महीने का वेटिंग करना, इसका मतलब ये कि कंपनी बंद होने के बाद भी है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलती है। मटीज एक जमाने में ने ऐसा माना जाता था कि टफेस्ट कंपटीशन है अपने अल्टो को, और दूसरा उस टाइम पे सेंट्रो आती थी, जूनी सेंट्रो, उन दोनों को सबसे टफ कंपटीशन देती थी मटीज। तो सच कंपनी मेक्स द कार फॉर एवरी पर्सन, एवरी पर्स एंड एवरी पर्सनैलिटी, हर किसी के लिए कार बनेगी, जैसे मारुति सुजुकी हर किसी के लिए कार बनाती है, यानी सस्ती गाड़ी भी मिलेगी और महंगी गाड़ी भी मिलेगी। मार्केट पोजीशनिंग, आफ्टर डिसाइडिंग अबाउट हाउ मेनी सेगमेंट्स, अब पोजीशनिंग पी आया लास्ट में, पी पोजीशनिंग, अब मैं अपने आप को पोजीशन करना चाहता हूँ कि कौन से मार्केट में मैं अपने आप की पहचान बनाऊंगा। आफ्टर डिसाइडिंग अबाउट हाउ मेनी सेगमेंट्स द कंपनी वॉन्ट्स टू एंटर और सर्व, द कंपनी हैज टू डिसाइड अबाउट वट पोजिशंस द कंपनी वॉन्ट्स टू ऑक्यूपाई इन द मार्केट थ्रू इट्स प्रोडक्ट। मार्केट पोजिशनिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट बाई विच द प्रोडक्ट कैन ऑक्यूपाई क्लियर डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस रिलेटिव टू इट्स कॉम्पिटिंग ब्रांड्स इन द माइंड्स ऑफ टारगेट कस्टमर्स, यानी जो भी अपने कस्टमर्स हैं उनके माइंड में अपने मार्केट की एक इमेज बनाएंगे। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स, जैसे ह्यूंडई प्रोड्यूस इज द कार दैट मेक्स सेंस बिकॉज इट इज लो प्राइस, जेगुआर ब्लेंडिंग ऑफ आर्ट एंड मशीन, और अगर आप देखो ना कुछ कार बनाने की कंपनीज, रोल्स रॉयस करोड़ों की कार आती है ये सब, और इसमें ना इतनी सारी फैसिलिटीज कार के अंदर होती है ना कि कोई सोच भी ना सके कि ये सारी फैसिलिटीज भी उसके अंदर मिल सकती है आपको। कार के दरवाजे जो पटक पटक के बंद करते हैं ना, वो जैसे ही सेंस किया ने कि कार पूरी तरह से यानी सब लोग ऑक्यूपाई हो गए, तो इसके बाद में ऑटोमेटिक दरवाजा बंद हो गया, तुम जिस सीट पे बैठे हो उसके बाजू का दरवाजा बंद हो जाए, उसके लिए आपको पुश बटन करने की जरूरत है तो भी चल जाए, और अगर आपको इसको ऑटोमेटिक रखना है तो भी चलता है। यानी साइलेंट कैबिन किसको बोला जाता है ने? वो रोल्स रॉयस कंपनी बताती है, यानी उसके अंदर कितनी भी खराब रास्ते पे जाओ अंदर आवाज नहीं आती, करोड़ भी है ना फिर उसके सामने। टू पोजिशन द प्रोडक्ट इन द मार्केट द कंपनी हैज टू आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, यानी हम क्या करेंगे, दूसरी कंपनी से ज्यादा कुछ डिलीवर करेंगे तो कंपनी की पहचान मार्केट में बन पाएगी, तो सिलेक्टेड टारगेट मार्केट को क्या ऑफर करेगी वो देखा जाता है। फाइनली द कंपनी कैन एस्टैब्लिश इट्स प्रोडक्ट एज ब्रांड और कंपनी इमेज इन द मार्केट, तो हम क्या करेंगे ये कंपनी की इमेज मार्केट में बनाएंगे। अब आता है तुम्हारा मैक्रो एनवायरनमेंट, खत्म हुआ पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टॉपिक ये माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट का है, ये सब नए क्वेश्चन है, 2 साल पहले पूरा सिलेबस उन्होंने रीशफल किया था, उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो पहली बार तुमको पूछेंगे, पर लास्ट ईयर का पेपर सेट मेरे पास है और उसमें लास्ट ईयर में अजीब तरह की चीजें थी, 3 एंड 4 के अंदर से, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के अंदर से उन्होंने बड़े क्वेश्चन पूछे थे, और नहीं, एमसीक्यू पूछे थे, और फर्स्ट सेकंड में से उन्होंने ने बड़े क्वेश्चन पूछे थे, अजीब तरह की चीजें थी कुछ। लास्ट ईयर का पेपर कुछ काम नहीं लगता क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर है ना उसमें एमसीक्यू थे 30 मार्क के, अच्छा और 40 मार्क का ये अलग कुछ अजीब, पता नहीं क्या सपने में आता है इनके और ये पेपर सेट करते हैं। व्हाट इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड मेजर फैक्टर्स, माइक्रो सॉरी एंड मेजर फैक्टर्स इन कंपनी मार्केट कंपनी माइक्रो एनवायरनमेंट, जैसे मार्केटिंग एनवायरनमेंट यानी क्या, द फैक्टर एंड फोर्सेस जो फॉर्म को फॉर्म की एबिलिटी को अफेक्ट करता है कि हम एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना पाए अपने कस्टमर्स के साथ में। मार्केटिंग क्या है,
मार्केटिंग कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप बनाना होगा, जिससे कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को प्रीफर करे और परचेज करे। अब इसमें क्या क्या आता है देखो, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो। माइक्रो यानी फैक्टर क्लोज टू अ कंपनी, जो सिर्फ तुम्हारी कंपनी को असर करेंगे, पूरे मार्केट को नहीं। जबकि मैक्रो यानी ना सिर्फ तुम्हारी कंपनी को इफेक्ट करेंगे ना तुम्हारी फर्म को, लेकिन पूरे सब की सब इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स है सबको इफेक्ट करेंगे। अब माइक्रो एनवायरनमेंट, तो माइक्रो एनवायरनमेंट जो इम्पैक्ट करते हैं मार्केटिंग प्लानिंग में, उसमें द माइक्रो एनवायरनमेंट अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली, ये ऑर्गेनाइजेशन पे सीधा असर करेंगे। इट रिफर्स टू द एनवायरनमेंट दैट मोस्ट क्लोजली लिंक्ड टू द फर्म, ये सीधा फर्म के साथ में अटैच्ड है। दिस एनवायरनमेंट इज नॉट ऑल्सो अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ बिजनेस, ये एनवायरनमेंट बिजनेस के पूरे कंट्रोल में नहीं होता। द बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस एनवायरनमेंट, और बिजनेस इस एनवायरनमेंट से ने अफेक्टेड होता ही है। अब देखो इसमें पहले कंपनी, उसके सप्लायर्स है, उसके बाद में मार्केटिंग इंटरमीडियरीज है, देन आफ्टर कस्टमर्स। का टाइप्स ऑफ कस्टमर खास याद रखना है, ये एमसीक्यू में है। नेक्स्ट पेज पे पहले अभी ये देखे कंपनी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं और अंडरलाइन करो फंक्शनल मैनेजर्स आते हैं। मार्केटिंग प्लान्स आर ड्रोन अप एज पर द फिलोसॉफी ऑफ टॉप मैनेजमेंट। मार्केटिंग डिसीजंस लाइक न्यू प्रोडक्ट्स, एक्सपांशन, एक्सपांशन यानी मार्केट को बढ़ाना, मार्केट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाना, डिपेंड ऑन द सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। इट डिपेंड्स अपॉन फाइनेंस, मैनेजरियल स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये किस पे डिपेंड करता है? फाइनेंस, कितना पैसा, मैनेजरियल स्किल कितनी है, और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ पे स्ट्रांग है और ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे कस्टमर को पसंद नहीं आता। फिर सप्लायर्स, सप्लायर्स यानी जो रिसोर्सेज हमको चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल। पहली बात, इंपॉर्टेंट लिंक इन द वैल्यू डिलीवरी सिस्टम, सबसे पहली लिंक का सप्लायर है। सप्लायर अगर ना हो तो वैल्यू आगे बढ़ेगी नहीं प्रोडक्ट की, वो जो रॉ मटेरियल देते हैं उसमें अपने वैल्यू ऐड करके आगे बढ़ाते हैं। मोस्ट मार्केटर्स ट्रीट सप्लायर लाइक पार्टनर्स, ज्यादातर सप्लायर को अपने पार्टनर की तरह से ट्रीट करना चाहिए। एंड मार्केटर्स मस्ट वॉच सप्लाई अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग, सप्लाई कैसे अवेलेबल है, कितनी अवेलेबल है और कौन सी कीमत पे अवेलेबल है, ये देखना चाहिए। देन मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, वो लोग जो तुमसे प्रोडक्ट को खरीदते हैं और कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ये सब प्रमोट भी करेंगे, सेल भी करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। द रिसेलर्स पहले बात करते हैं, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजर्स दैट बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू रीसेल एट अ प्रॉफिट, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स इसमें आते हैं। रीसेलर कौन है? के प्रॉफिट में बेचने वाले लोग, और होलसेलर ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे प्रोड्यूसर के पास और रीसेलर को बेच देंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म्स, ये क्या करते हैं, घर घर जाके उनके डेस्टिनेशन यानी जहाँ पे कस्टमर रहता है ना वहां तक जाके प्रोडक्ट को बेचते हैं, वैसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म बोला जाता है। ये खास करके वैसे प्रोडक्ट के लिए चलता है जो प्रोडक्ट कस्टमर अपने डिमांड से बनवाता है या हर जगह पे जरूरत ना होने वैसे प्रोडक्ट, स्पेशलाइज प्रोडक्ट के लिए होता है। देन कस्टमर्स परचेज रिक्वायरमेंट, वेरी वेरी का मतलब क्या, बदलता है फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर, इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कस्टमर हमेशा अपना कल्चर देखेगा, अपना सोशल बिहेवियर देखेगा और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कस्टमर की साइकोलॉजी भी देखी जाती है। और याद रखो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब कस्टमर का मार्केट कैसा कैसा, जैसे पहली बात कंज्यूमर मार्केट, कंज्यूमर मार्केट यानी अपने सीधे कंजम्पशन के लिए गुड्स को खरीदते हैं या सर्विस को परचेज करते हैं, यानी कस्टमर वो सीधा जो भी पैसा खर्च करता है वो अपने लिए खर्च करता है, ये कंज्यूमर मार्केट हुआ। जबकि जो बिजनेस मार्केट है उसमें हम क्या करते हैं, सामने से जिस प्रोडक्ट को हमने खरीदा उस पर प्रोसेसिंग करेंगे फिर बाद में उसको बेचेंगे, तो मतलब हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे और बाद में
आगे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर उसको यूज करेंगे। फिर गवर्नमेंट मार्केट, ये गवर्नमेंट एजेंसी जो हमारे पास से गुड्स या तो सर्विसेज को परचेस करेगी, और ये पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, या फिर गुड्स को पब्लिक को फ्री में या तो फिर डिस्काउंटेड रेट के ऊपर या तो सब्सिडी के साथ में ट्रांसफर करते हैं। जैसे सरकार अनाज खरीदती है खेडूतों के पास से, और फार्मर्स के पास से अनाज खरीदने के बाद गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट यानी वो कंट्री के लोग जो हमसे खरीदेंगे, इसमें कंज्यूमर भी आते हैं यानी सीधे हमारी प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग, फिर प्रोड्यूसर हमारी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की तरह से यूज करने वाले लोग, रीसेलर हमसे खरीद के किसी दूसरे को बेचने वाले लोग, और इवन गवर्नमेंट जो अपने लोगों के लिए खरीदेगी। फिर रीसेलर मार्केट, रीसेलर मार्केट यानी एक जगह से खरीद के दूसरे को बेच दिया विदाउट एनी प्रोसेसिंग। जैसे बाटा का शोरूम, उसको रीसेलर बोला जाता है क्योंकि वो बनाते नहीं है खुद। अगर कंपनी का खुद का आउटलेट है ना तो खुद बनाते हैं ऐसा। इंस्टीट्यूशनल मार्केट, ये इंस्टीट्यूशनल मार्केट यानी वो मार्केट के जो बड़े लोग जो बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज तुमसे खरीदती है और बल्क में खरीदती है, वो इंस्टीट्यूशनल मार्केट हुआ। अब इसके बाद आता है कॉम्पिटिटर्स। टू बी सक्सेसफुल अ कंपनी मस्ट सेटिस्फाई नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ कंज्यूमर्स बेटर देन कॉम्पिटिटर्स, यानी हम कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छी तरह से सेटिस्फाई करेंगे। अ कंपनी शुड मॉनिटर दीज वेरिएबल्स व्हेन एनालाइजिंग ईच ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। इसमें पहले आता है शेयर ऑफ मार्केट, शेयर ऑफ माइंड एंड शेयर ऑफ हार्ट। शेयर ऑफ मार्केट यानी क्या, मार्केट में कितना हिस्सा। शेयर ऑफ माइंड मतलब मेरी सोच यानी कंपनी की सोच कंज्यूमर की सोच से मिलनी चाहिए, और शेयर ऑफ हार्ट यानी क्या, इमोशंस जुड़ने चाहिए। वन मस्ट अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ, मस्ट डिफरेंशिएट फर्म्स प्रोडक्ट्स एंड ऑफरिंग्स फ्रॉम दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यानी कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ पहले समझो और हमको अपनी प्रोडक्ट उनसे अलग बनानी है। फर्म्स मस्ट गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बाय पोजिशनिंग देयर ऑफरिंग्स अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स ऑफरिंग्स। यहाँ एडवांटेज कैसा मिलता है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज यानी मतलब तुम सबसे पहले हो ना अगर मार्केट में तो तुम्हारी प्रोडक्ट जल्दी बिकेगी। ईच फर्म शुड कंसिडर इट्स ओन साइज एंड इंडस्ट्री पोजिशन कंपेयर टू दोज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, यानी हर फर्म को अपनी खुद की साइज और इंडस्ट्री की पोजिशन को बराबर से समझना चाहिए। ब्रांड फ्रॉम इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स टू सिमिलर प्रोडक्ट्स यानी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बोलते हैं ना, सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो या उसकी जगह पे दूसरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो। दिस सिमिलर प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई द सेम नीड इनडायरेक्टली एंड अदर प्रोडक्ट फर्म्स ट्राइंग टू विन कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर। ऐसी दूसरी फर्म्स है जो हमेशा क्या करती है, कंज्यूमर को अपनी तरफ डायरेक्ट करने की सोचती है। फिर पब्लिक, अ ग्रुप दैट हैज एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन और इम्पैक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे लोग हैं। अब ये एमसीक्यू है, ये जो है ना पूरा एमसीक्यू। कंज्यूमर मार्केट है ना, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर मार्केट, और ये दो एमसीक्यू। सेवन टाइप्स ऑफ पब्लिक इंक्लूड फाइनेंशियल पब्लिक, ये कौन लोग है जो फंड्स जहां से फॉर्म अपने लेते हैं, ऑब्टेन फंड्स यानी जहां से अपने पैसे लेते हैं। इसमें बैंक्स, इन्वेस्टमेंट हाउसेस और स्टॉक ब्रोकर्स आते हैं, एंड मेजर फाइनेंशियल पब्लिक और मीडिया पब्लिक। उसमें कौन आते हैं, द न्यूज, न्यूज मेकर्स जिसको बोलते हैं, फीचर्स एंड एडिटोरियल ओपिनियन, दे इंक्लूड न्यूज पेपर्स मैगजीन्स एंड रेडियो एंड टेलीविजन स्टेशन। उसमें बहुत सारी चीजें आती है, इसमें न्यूज़पेपर वाले, मैगजीन वाले, रेडियो और टीवी वाले। एंड गवर्नमेंट पब्लिक, मैनेजमेंट मस्ट टेक गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स इनटू अकाउंट, मार्केटर्स मस्ट ऑफन कंसल्ट द कंपनीज लॉयर्स ऑन इश्यू ऑफ पब्लिक प्रोडक्ट सेफ्टी थ्रू थिन एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग एंड अदर मैटर्स। एक सिंपल सी बात करो, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसके कारण कोई जगह पे हमको लीगल किसी गवर्नमेंट के अपोज का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं वो देखा जाता है। सिटीजन एक्शन पब्लिक, अ कंपनीज मार्केटिंग डिसीजंस मे बी क्वेश्चन बाय कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, एनवायरमेंटल ग्रुप्स, माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड अदर्स,
इट्स पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कैन हेल्प इट स्टे इन टच विद कंज्यूमर एंड सिटीजन ग्रुप्स। यानी मतलब यहाँ ये लिखा गया है कि जो कंपनी का मार्केटिंग डिसीजन है ना, वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्वेश्चन सवाल है ना हमेशा किसके ऊपर उठता है, कंपनी के ऊपर। और याद रखो, ऑर्गेनाइजेशन जो भी करेगा ना, पब्लिक को इसकी सीधी इफेक्ट होती है। लोकल पब्लिक इंक्लूड नेबरहुड रेसिडेंट्स एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस। लार्ज कंपनीज यूजुअली अपॉइंट अ कम्युनिटी रिलेशन ऑफिसर टू ऑफिसर ऑफिस टू डील विद द कम्युनिटी, अटेंड मीटिंग्स, आंसर क्वेश्चंस एंड कंट्रीब्यूट थ्रू वर्ल्ड वाइड कॉजेस। इसमें आप देखो, कस्टमर केयर जो अपॉइंट किया जाता है, आपको ये फलाने नंबर पे फोन करना है तो जिससे आपकी कोई भी कंप्लेंट उसको सुना जाएगा। तो ये क्या है, लोकल पब्लिक के साथ में कनेक्ट होने का एक जरिया। फिर जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक यानी सब लोग, जो खरीदते हैं वो भी और जो नहीं खरीदते वो भी। अ कंपनी नीड्स टू बी कंसर्न अबाउट द जनरल पब्लिक्स एटीट्यूड टुवार्ड्स इट्स प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटी। द पब्लिक्स इमेज ऑफ कंपनी अफेक्ट इट्स बाइंग। एक बार तुम्हारी इमेज गलत हुई ना, तो कंज्यूमर खरीदारी को क्या कर देगा, बंद कर देगा, यानी नए कंज्यूमर भी नहीं मिलेंगे। एंड फाइनली इंटरनल पब्लिक्स इंक्लूड वर्कर्स, मैनेजर्स, वॉलंटियर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये इंटरनल लोग हैं कंपनी के अंदर। लार्ज कंपनीज यूज न्यूज लेटर्स एंड अदर मीन्स टू इन्फॉर्म एंड मोटिवेट देयर इंटरनल पब्लिक्स व्हेन एम्प्लॉयज फील गुड अबाउट द कंपनी। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और वो सिर्फ ना तुम्हारी कंपनी के बारे में बाजार में लिखा है ना, एटीट्यूड स्पिल्स ओवर टू एक्सटर्नल पब्लिक। इसका मतलब क्या, हमें ने वही पॉजिटिव एटीट्यूड को बाहर के लोगों के साथ में शेयर करेंगे। स्पिल यानी फैलाना बोला जाता है उसको। तो याद है कभी कंप्लीट किया। सो टॉपिक नंबर 3, मार्केटिंग मैनेजमेंट में व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर और बाइंग बिहेवियर। इजी क्वेश्चन है ये। कंज्यूमर बिहेवियर किसकी स्टडी है, किस तरह से इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट बाय यूज एंड डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ मतलब नाश करो, ऑफ गुड सर्विसेज, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड डिजायर्स। यानी कोई भी खरीदारी किस लिए की जाती है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो कंज्यूमर ये कैसे करता है, कंज्यूमर अब देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें क्या आएगा, पहले कल्चरल फैक्टर्स है। अंडर कल्चरल फैक्टर्स, द कल्चर, सब कल्चर, ये सब चीजें नीचे है और ये आपके एमसीक्यूज है, मैक्सिमम इसमें से पूछे जाएंगे। पहला कल्चर में, कल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट, अंडरलाइन करो, डिटरमिनेंट ऑफ अ पर्सन नीड्स एंड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा यूएस में पला बढ़ा है तो क्या करेगा, वो ज्यादा अचीवमेंट के बारे में सोचेगा, सक्सेस के बारे में सोचेगा, एफिशिएंसी, प्रैक्टिकलिटी, प्रोग्रेस, मटेरियल कंफर्ट, यानी चीजें अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए हमको, इंडिविजुअलिज्म, खुद के बारे में सोचेगा, फ्रीडम, ह्यूमैनिटेरियनिज्म। यानी ह्यूमैनिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, अपने मानवीय अभिगम एंड यानी इंसानियत के बारे में सोचेगा, एंड यूथफुलनेस। देयरफॉर उसकी बाइंग बिहेवियर और हैबिट अलग है। तो ये हैबिट इंडियन चाइल्ड से अलग होती है। एज ए रिजल्ट, अमेरिकन चाइल्ड हैज डिफरेंट प्रेफरेंस फॉर फूड, क्लोथिंग, लिविंग, लीजर एक्टिविटीज, सबके लिए अलग अलग उसके। लीजर एक्टिविटी यानी आराम। सब कल्चर में चार चीजें, एक नेशनलिटी ग्रुप, इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, रिलीजियस ग्रुप, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, रेशियल यानी ब्राह्मण, जैन, वैष्णव, ज्योग्राफिकल ग्रुप यानी गुजराती, महाराष्ट्रियन, पंजाबी, मद्रासी, ये सब। व्हेन देयर इज अ ग्रोथ ऑफ सब कल्चर, सब कल्चर अगर बढ़ता है ना, यानी ये सब बढ़ते हैं ना, इसमें मार्केटिंग प्रोग्राम तुमको स्पेशलाइज करना पड़ता है उन्हीं कल्चर के लिए। ब्राह्मण के लिए ये बताओ, समझे, इसी तरह से गुजराती के लिए ये, जैसे अपने देखते हैं गुजराती थाली मिलती है, महाराष्ट्रियन थाली भी मिलती है। महाराष्ट्रियन थाली खानी होने तो सुरसागर के सामने के लिए,
अंदर चले जाओ दानिया बाजार के पास, बेस्ट मिलती है। मैं तो बहुत पहले यानी कोरोना के पहले ज्यादा 125 रुपये में थाली देते थे, दिल से खिलाते एकदम अच्छी और हाइजीनिक है। वो महाराष्ट्र लॉज के अंदर है। गुजराती ज्यादा तेल वाला होता है तो महाराष्ट्र थोड़ा सूखा लगे तुमको। नाउ सोशल क्लास, द सोशल क्लास यानी रिलेटिवली होमोजीनियस, होमोजीनियस यानी एक जैसा, एंड्योरिंग, एंड्योरिंग यानी लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा टाइम तक चलता ही है। और ये कैसे, दे आर इन हायरार्की एंड देयर मेंबर्स शेयर सिमिलर वैल्यूज। हायरार्की यानी लेवल्स में होता है और सेम वैल्यू सबकी होती है, सेम मेंटालिटी सब लोग रखते हैं। इन द यूएस देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, सोशल क्लासेस, जैसे लोअर क्लास है, अपर क्लास है, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर अपर क्लास और अपर अपर क्लास यानी सबसे टॉप वाले। ये जो सोशल क्लास है उन सबके स्पीच की पैटर्न अलग है, रिक्रिएशनल प्रेफरेंसेस अलग है, इंडस्ट्रियलिस्ट अरे सॉरी यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, होम फर्निशिंग सब अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल द गुड्स परचेज बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट और मेडिकल सर्जन, वो टोटली डिफरेंट है। जो वर्कर्स परचेज करेंगे वो अलग है, ये परचेज करेंगे अलग है। द सोशल क्लास आर इंडिकेटेड बाय ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स सच एज ऑक्यूपेशन आया था उसमें, इनकम, एजुकेशन, रादर देन ओनली सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल नहीं, एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं। ये दो फैक्टर होते हैं। आपको एमसीक्यू में ऐसा ही आता है कि अगर हम बात करें ये पहला जो था तुम्हारा कल्चर, तो कल्चर में क्या क्या आता है, ये एमसीक्यू। इसीलिए सोशल फैक्टर में रेफरेंस ग्रुप, ये भी अंडरलाइन करो पहली डेफिनेशन, रेफरेंस ग्रुप्स इंक्लूड ऑल दोस ग्रुप्स व्हिच हैव डायरेक्ट यानी फेस टू फेस और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन एटीट्यूड और बिहेवियर। इफ अ ग्रुप हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन पर्सन एटीट्यूड बिहेवियर देन सच ग्रुप इसको अपने क्या बोलेंगे, मेंबरशिप ग्रुप बोलेंगे। देखो रेफरेंस ग्रुप के टाइप्स, एक तो प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप जिसके साथ पे तुम रोज मिल, सिंपल, इसमें फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव और फेलो एम्प्लॉयज आएंगे। सेकेंडरी ग्रुप जिसके साथ में कभी कभी मिलते हो, ये तुम्हारे प्रोफेशनल एसोसिएशन या तो क्लब। फिर एस्पिरेशनल ग्रुप, तुमको ये ऐसा लगता है कि इन ग्रुप के साथ में उनको ज्वाइन होना चाहिए। इसमें फॉर्म हीरोज यानी फॉर्म तुम्हारे जहाँ पे काम करते हैं तुम्हारे मैनेजर हीरो तुम्हारे लिए। फिर स्पोर्ट्स हीरोज या पॉलिटिकल लीडर्स। फिर डिसोसिएटिव ग्रुप, तुमको लगता है कि इनके जैसा तो बनना ही नहीं है, डिसोसिएटिव यानी उनके जैसा बनना नहीं है, जो रिजेक्ट कर दो तुम लोग। द मैन्युफैक्चरर्स ऑलवेज ट्राई टू रीच द ओपिनियन ऑफ लीडर्स विद इन ईच ग्रुप। ओपिनियन लीडर इज द पर्सन, ये आएगा एमसीक्यू में, ओपिनियन लीडर कौन है, वो ऑफर्स एडवाइस और इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू द अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। जो दूसरे मेंबर को क्या एडवाइस देने वाला इंसान, उसको ओपिनियन लीडर, उसकी बात सब मानते हैं, तो उन्हीं को अपने अप्रोच करेंगे, फिर वो सबको मनवा लेगा। नाउ फैमिली, फैमिली बैकग्राउंड ऑल्सो अफेक्ट्स द एटीट्यूड, डिजायर्स एंड बिहेवियर ऑफ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम पेरेंट्स द चिल्ड्रन लर्न अबाउट रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी एज वेल एज अ सेंस ऑफ एम्बिशन, सेल्फ वर्थ एंड लव। फैमिली बैकग्राउंड में क्या आता है, देखो एटीट्यूड, डिजायर, डिजायर यानी तुम्हारी ख्वाहिशें जो आती है वो, बिहेवियर इंसान का। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स से पहले सीखते हैं, फिर बच्चे रिलीजियन से भी सीखते हैं, उसके बाद में पॉलिटिक्स और इकोनॉमी। फिर रोल एंड स्टेटस, तुम्हारा कौन सा रोल है, बच्चे के साथ में अपने बच्चे जैसे बन जाते हैं बराबर, और अगर समझो कि माँ बाप है उनके साथ में अलग बिहेवियर, नौकरी करने जाते हैं वहाँ अलग बिहेवियर है, दोस्तों के साथ में अलग बिहेवियर है, तो सबके साथ में तुम्हारा रोल अलग अलग होता है, तो इससे भी तुम्हारा बाइंग पैटर्न चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अ वुमन प्लेस डिफरेंट रोल, सो शी बाइज डिफरेंट थिंग्स वाइल परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल्स सच एज मदर, सिस्टर, डॉटर एक्सेट्रा। सबके रोल अलग अलग होते हैं। अब देखो पर्सनल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स यानी क्या, इंसान कैसा है, कौन सी लाइफ स्टाइल में वो, तो बाइंग बिहेवियर वो भी पर्सन, जैसे ऑक्यूपेशन आता है, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस यानी पैसे कितने, उसके बाद लाइफ स्टाइल, एज एंड लाइफ साइकिल, पोजिशन, पर्सनैलिटी एक्सेट्रा। तो एज एंड स्टेजेस इन लाइफ साइकिल,
एज एंड लाइफ साइकिल ऑफ अ पर्सन ऑल्सो अफेक्ट्स हिज बाइंग बिहेवियर. फॉर इंस्टेंस, अ चाइल्ड कंज्यूम्स मिल्क एंड बेबी फूड ड्यूरिंग यंग एज. ही कंज्यूम्स वेराइटी ऑफ, कंज्यूम्स आएगा कंज्यूमर्स लिखा है यहाँ पे, कंज्यूम्स आएगा वेराइटी ऑफ फूड. ओल्ड एज के अंदर डाइट और शुगर फ्री फूड. एंड मोर ओवर डिफरेंट स्टेजेस लाइफ साइकिल में भी तुम्हारी पसंद नापसंद बदलती है. जैसे अभी तुमको किस तरह के गाने पसंद हो और 20 साल बाद कैसे गाने पसंद होंगे, ये अलग अलग होता है सबका. द मार्केटर्स वो भी ये कंसिडर करेगा, जैसे स्टेजेस में सबसे पहले लाइफ स्टेजेस में पहला आता है तुम्हारा मैरिज, चाइल्ड बर्थ, इलनेस यानी बीमारी, डिवोर्स, उसके बाद में विडोहुड, विडोहुड यानी विधवा हो जाना. ऑल सच स्टेजेस क्रिएट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर नीड्स, सो दे रिक्वायर डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. तो सबके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स चाहिए. नाउ ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस. ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्सन अफेक्ट्स हिज बाइंग बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लू कॉलर वर्कर विल बाई हिज यूनिफॉर्म और ऑर्डिनरी क्लोथ्स, वेयर इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी विल बाय द ड्रेस सूट एंड कंट्री क्लब मेंबरशिप. जैसा तुम्हारा लेवल ने, पैसे जितने ने, वैसे तुम मेंबरशिप रखते हो वैसा. इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस भी तुम्हारे बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करेगी. दिस इंक्लूड इनकम ऑफ पर्सन, उसकी सेविंग्स, वेल्थ, बोरोइंग पावर एक्सेट्रा. फॉर इंस्टेंस, अ रिच पर्सन मे बाय कार, जबकि मिडिल क्लास वाला स्कूटर और गरीब साइकिल. एग्जाम्पल से समझना है पूरा. नाउ पर्सनालिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट. ईच पर्सन डिफरेंट, ईच पर्सन हैज डिफरेंट पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस, ऑटोनॉमी, डिफेंस, सोशेबिलिटी, डिफेंसिवनेस एंड अडेप्टेबिलिटी. द कंज्यूमर ऑलवेज कंपेयर्स एंड मैचेज द पर्सनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट विद हीज और हर ओन पर्सनैलिटी. इफ दे आर मैचिंग, ही और शी विल बाय इट. फॉर एग्जाम्पल, द डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वुड बाय बिग व्हीकल एंड सबमिसिव पर्सनैलिटी. डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का मतलब कौन? ऐसे लोग नहीं जो समाज पे ने ऐसा लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ ने कि मैं लोगों के ऊपर इफेक्ट छोड़ना चाहता हूँ, वो डोमिनेटिंग. लेकिन सबमिसिव यानी शर्मार, और ज्यादा ही नहीं, शर्म जिसको आती है ना हर चीज में, एम्बेरेसिंग फील करता, वैसे लोग है. तो वो क्या करेगा, स्मॉल व्हीकल पर नजर में नहीं आना है अपने को ऐसा. लाइफ स्टाइल एंड वैल्यूज. लाइफ स्टाइल ऑफ अ पर्सन ऑल्सो अफेक्ट्स हिज बाइंग बिहेवियर. फॉर इंस्टेंस, इफ अ पर्सन हैज सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो लेस एक्सपेंस यानी सोच बड़ी है पर ऐसा है कि बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है, पैसे बर्बाद नहीं करने हैं सब. अब इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दूसरे आते. अ पर्सन इज मोटिवेटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स व्हिच ही वांट्स टू सेटिस्फाई. जिसमें मोटिवेशन, अ पर्सन इज मोटिवेटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स सच व्हिच ही वांट्स टू सेटिस्फाई. नीड्स दो हिस्सों में होती है. पहली है बायोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक बायोलॉजिकल फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, रेस्ट, वाटर आता है. और जो साइकोग्राफिक नीड्स सच एज नीड्स लाइक सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एक्सेट्रा. देन कम्स परसेप्शन. परसेप्शन यानी वे ऑफ थिंकिंग, तुम्हारी सोच, मंतव्य, एटीट्यूड बोलते हो उसको. बट अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन. फॉर इंस्टेंस, इफ अ पर्सन थिंक्स दैट सेल्समैन इज एग्रेसिव यानी बहुत ज्यादा बोलता है और सिंसियर नहीं है, तो वो प्रोडक्ट उसके पास से खरीदेगा नहीं. बट अगर उसको लगता है कि वो हेल्पफुल है, सिंसियर है, तो वो उसी के पास से खरीदेगा. लर्निंग, लर्निंग यानी पास्ट एक्सपीरियंस, तुम्हारा पुराना एक्सपीरियंस कैसा है. इट कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल, दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं. अगर फेवरेबल है, पुरानी प्रोडक्ट जो तुमने खरीदी उससे तुम सेटिस्फाइड हो, तुम 10 लोगों को बोलोगे यही खरीदो. लेकिन अगर तुम डिससेटिस्फाइड हो तो तुम बोलोगे नहीं, किसी को मना कर दोगे कि ये मत खरीदना. एटीट्यूड एंड बिलीफ. एटीट्यूड एंड बिलीफ ऑफ अ पर्सन ऑल्सो अफेक्ट हिज बाइंग बिहेवियर. बिलीफ एंड एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन ऑल्सो डिटरमाइन हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको लगता है कि इम्पोर्टेड चीज अच्छी आती है, तो सिर्फ इम्पोर्टेड चीज खरीदेगा. नाउ
एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन अ मॉडल बाइंग प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परचेजिंग करना इजी है, ये भी बहुत इजी है। इसमें पहला है ना नीड रिकॉग्निशन, नीचे ने प्रॉब्लम रिकॉग्निशन लिखा है, उसको नीड कर दो प्रॉब्लम की जगह पे। नंबर वन में जो लिखा है ना उसको प्रॉब्लम को हटा दो, उसकी जगह नीड लिख दो। ये प्रोसेस है, सेम सीक्वेंस में जाना चाहिए, सीक्वेंस बदलना नहीं चाहिए। अब आता है देखो, इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन द बायर हैज सम नीड और प्रॉब्लम। समटाइम्स अ पर्सन फील्स दैट देयर इज अ गैप बिटवीन हिज एक्चुअल स्टेट एंड डिजायर स्टेट। इट मीन्स दैट ही हैज सम नीड और प्रॉब्लम। दिस नीड और प्रॉब्लम मे बी क्रिएटेड बाय इंटरनल फैक्टर्स, हंगर, थर्स्ट, इलनेस एक्सेट्रा। इंटरनल फैक्टर यानी तुम्हारे फिजिकली चेंजेस जो आते हैं उसके कारण, और एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी एनवायरनमेंट, माहौल। जैसे कोई इंसान अगर किसी नेबर का फोन उसको अच्छा लगा ने, एडमायर करेगा, एडमायर यानी तारीफ करेगा उसकी। फिर दूसरा आता है इंफॉर्मेशन सर, एक बार हमने सोच लिया कि हमको ये चीज खरीदनी है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इस सर्चिज फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस विच कैन सेटिस्फाई इज नीड। द इंफॉर्मेशन सर्च इंक्लूड्स हाइटेंड अटेंशन, हियर कंज्यूमर पेज मोर अटेंशन टू बाय एनीथिंग विच कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन पर्सनल कंप्यूटर, ही पेज मोर अटेंशन टू कंप्यूटर एडवाइजमेंट, कंप्यूटर्स परचेज बाय फ्रेंड्स। यानी हम किसके बारे में बात करा करेंगे, कंप्यूटर के बारे में बात करा करेंगे। एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्च, एक्टिव हियर कंज्यूमर मेक्स एक्टिव एफर्ट्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन पर्सन, नहीं सॉरी, अगर समझो कि एक्टिव सर्च का मतलब क्या, वो सारे मटेरियल वही पड़ेगा, पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी आएगी ना, तो कंप्यूटर के बारे में देखेगा। फोन, अगर फोन खरीदना है तो फ्रेंड जो लोग ये सब कन्वर्सेशन करते हैं ना, उसके अंदर बातचीत अपनी जारी रखेगा कंप्यूटर के बारे में। अब यहाँ पे तुमको कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो पर्सनल सोर्सेस, तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स और नेबर्स। कमर्शियल सोर्सेस, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स पर्सन, जो सेल्समैन होते हैं वो, या डीलर। पब्लिक सोर्सेज, जिसमें मास मीडिया, कंज्यूमर रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन आएंगे। और एक्सपेरिमेंटल सोर्सेस, हैंडलिंग, एग्जामिनिंग, यूजिंग द प्रोडक्ट, खुद प्रोडक्ट को यूज करेगा। आउट ऑफ द टोटल ब्रांड्स, आउट ऑफ ऑल ब्रांड्स अवेलेबल इन टोटल सेट, ओनली अ फ्यू विल रिमेन इन चॉइस सेट आफ्टर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। इसको हमने यहाँ पे बताया, देखो टोटल सेट, इसमें IBM, लेनोवो, सारे कंप्यूटर हैं। उसके बाद में अवेयरनेस सेट, हमको लगा कि कुछ चीजें नहीं यूज करनी है तो उसको छोड़ दिया। फिर कंसिडरेशन, और चीजों को छोड़ा। चॉइस सेट, तीन में से सिलेक्ट करना है और फाइनल डिसीजन लिया जाता है। अब इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, इन मार्केट मेनी ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स, सो कंज्यूमर मस्ट इवेल्युएट ऑल द ऑल्टरनेटिव्स। अब टू इवेल्युएट ऑल ऑल्टरनेटिव्स, कंज्यूमर मस्ट कंसिडर मेनी आस्पेक्ट्स, जैसे प्रोडक्ट कैसी है, उसका वेट, वेट यानी क्या, मैं वेट का मतलब किस चीज को कितना इंपोर्टेंस देता हूँ, वो वेट है, वो वेट यानी वजन नहीं हुआ। जैसे कि अगर मैं टीवी खरीदने जा रहा हूँ तो टीवी के अंदर मैं डिस्प्ले को कितना इंपोर्टेंस देता हूँ, आवाज को कितना इंपोर्टेंस देता हूँ, ये सब। ब्रांड इमेज कैसी है मार्केट में, प्रोडक्ट की मुझे कितनी यूटिलिटी है वो देखा जाएगा। परचेज डिसीजन, आफ्टर इवेल्युएशन कंज्यूमर में हैव परचेज इंटेंशन, ही थिंक्स टू बाय द सिलेक्टेड प्रोडक्ट, बट परचेज इंटेंशन बिकम्स परचेज डिसीजन और नॉट, दैट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो एटीट्यूड ऑफ अदर्स, अगर दूसरे लोगों का इसकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन लेंगे। बट अदर्स हैव नेगेटिव एटीट्यूड, इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन परचेज इंटेंशन। यानी अगर दूसरे लोग तुमको बताएंगे कि तुम बेकार चीज है मत खरीदो, तुम नहीं खरीदेंगे। फिर अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाना, जैसे फैमिली इनकम, नौकरी चली जाएगी, खरीदने की बात क्या करें, जो है भी वो भी बेचना पड़े, बराबर नहीं।
एक्सपेक्टेड प्राइस, अगर प्राइस में लगता सोचता हूँ कि तो इतने में मिल जाएगा। बहुत सालों पहले बोज नया नया इंडियन मार्केट में आया था स्पीकर, मुझे लगा आता होगा 10-20 हज़ार का, तो फोन किया कि जो स्ट्रीमिंग चैनल है वो पहली बार वाईफाई से स्ट्रीमिंग करने वाला डिवाइस इंडिया में लॉन्च हुआ था, लगा होगा कोई 10-20 हज़ार का। तो मैंने फोन किया कस्टमर केयर के ऊपर, तो वहां से मुझे प्रोडक्ट बोला 95,000 का है, समझे ने, ये एक्सपेक्टेड प्राइस से बहुत बाहर निकल गया, तो वो खरीदा नहीं। फिर धीमे 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 उसकी प्राइस डाउन हुई, 57,000 में आया ना, तब मैंने खरीदा। मेरे पास है वो सेम, माइंड में गया तो गया, पर वो मेरे दिमाग से उतरता नहीं है। एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्रॉम प्रोडक्ट, ये जितना है ना, ये लैपटॉप जितना दिख रहा है उतना मशीन है वो, पर अगर यहाँ मैं चालू करूँ ने तो बाहर गली की आवाज आए, और आवाज अगर फुल करूँ ने तो किसी को ऐसा लगे ना लगे कि इसकी आवाज कर्कश यानी खोखरी हो रही है, या तुमको कान को है ना जरा भी तकलीफ ना हो। डेसिबल सेम रहते हैं लेकिन आवाज दूर तक जाती है, ये टेक्नोलॉजी होती है। ये क्या होता है, किस किसने कितना वेटेज दिया, वो कौन सी चीज को कितना तुम वेट देते हो उसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है। और ये तो ऐसा बोलते हैं ना कि अगर एक लिया ना तो मोनो बजेगा, दो लिए तो स्टीरियो बजेंगे, और अगर पूरे नीचे से लेके ऊपर तक तुम्हारा 3 माले का घर है, तुमको ऐसा कि सब फ्लोर पे सेम बजना चाहिए, तो वो भी कनेक्ट कर सकते हो। कुछ इंसेंट चीजें, पर ये सब चीजें काम लगती नहीं है, सीधी बात बोलूं। बराबर ने एक्सपेक्टेशन जैसे बोला ना ऊपर, वेट किसको दे रहे हो, एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्रॉम प्रोडक्ट, इफ दिस फैक्टर चेंज फेवरेबली तो अपने परचेस करेंगे, लेकिन अगर ये अनफेवरेबली है तो हम नहीं करेंगे। जैसे कि अगर समझो कि इंटेंशन है तो उसमें अपने क्या क्या देखते हैं, देखो एक बार तुमने ये खरीदने का डिसीजन बना लिया, उसके बाद में हम अलग अलग चीजों को देखते हैं। सबसे पहली बात हम क्या देखेंगे, पहले ब्रांड का डिसीजन लेते हैं, चलो हमने सिलेक्ट कर लिया ब्रांड ए परचेस करेंगे। दूसरा हमने डीलर को सिलेक्ट किया कि फलाने डीलर के पास से अपने खरीदेंगे। हेलो, तो रेगुलर सानोवा के तमे यहाँ ना ना तमे दा द तमे मांडवी हाउस हो दानोवा के। हाँ, एज वेंडर डिसीजन यानी किसके पास से खरीदना है, क्वांटिटी डिसीजन यानी कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, टाइमिंग टाइमिंग डिसीजन यानी वीकेंड में खरीदना है, पेमेंट डिसीजन क्रेडिट कार्ड से। इसके बाद लास्ट देखो पोस्ट परचेज बिहेवियर, आफ्टर परचेजिंग प्रोडक्ट द कंज्यूमर विल एक्सपीरियंस सम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन, या तो वो हाईली सेटिस्फाइड है या फिर वो हाईली डिससेटिस्फाइड है या फिर समवट सेटिस्फाइड। तो देखो इसमें ने कंज्यूमर दो चीज को कंपेयर करेगा, एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस को। तो सेटिस्फेक्शन एस इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में लिखा ई पी, ई यानी एक्सपेक्टेशन, पी यानी परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन दोनों मैच करते हैं वो सेटिस्फाइड है, और एक्सपेक्टेशन से परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है तो हाईली सेटिस्फाइड, लेकिन एक्सपेक्टेशन जैसा है उससे उसके जैसा परफॉर्मेंस नहीं है तो डिससेटिस्फाइड है। फिर पोस्ट परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज यानी मतलब अगर वो सेटिस्फाइड है तो अगेन परचेज करेगा वो प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की तारीफ करेगा, दूसरों को रिकमेंड करेगा, लेकिन डिससेटिस्फाइड है वो कंप्लेन करेगा, रिड्रेसल यानी मतलब उसके लिए कोई सोल्यूशन मांगेगा और कोई लीगल एक्शन लेगा, या कंप्लेन करेगा उस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देगा या सेलर को बॉयकॉट करेगा हमेशा के लिए। यहाँ तो टॉपिक कंप्लीट हुआ है।